ध्रुव राठी अपने तन मन और धन से लग गए थे मोदी सरकार को गिराने में। एक्चुअली में ध्रुव राठी ने अपना चैनल ही मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए खोला था। मीडिया ने भी उनके दिमाग में वही चीजें भर दी थी कि बीजेपी नहीं तो देश नहीं, इसीलिए उन्होंने यह वीडियो बनाई द डिक्टेटर। मतलब टाइटल में ही गुस्सा दिख रहा है। ध्रुव राठी की वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देख के पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसी के लिए बैकएंड में काम कर रहे हैं। इन्हें कई सारे राइट के क्रिएटर्स को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वह उसके अगेंस्ट में पोस्ट लिख रहे थे। इसके अलावा भी कई सारा क्रिटिसिज्म ध्रुव को झेलना पड़ा। एक जमाने में कहा जाता था कि मीडिया के पास इतनी पावर है कि वह इलेक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकती है। जैसा लोग देखेंगे सुनेंगे वैसा ही वह वोट देंगे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों का भरोसा न्यूज चैनल से उठने लगा है। लोग समझ चुके हैं कि वह लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जनता का जो भरोसा है वह जीता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। लोग अब टीवी से ज्यादा मोबाइल पे आई हुई न्यूज पे भरोसा करते हैं और 2024 के इलेक्शन में तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि कैसे एक यूट्यूबर की पहल से पॉलिटिकल पार्टीज के पांव से जमीन हिल गई। 2024 के इलेक्शन के 3 महीने पहले 22 जनवरी को मोदी जी राम मंदिर को इनॉग्रेट करते हैं और इसी के बाद से पूरे देश में बीजेपी की लहर चलने लगती है। हर इंसान के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था, मोदी, और एक ही नारा था इस बार 400 पार। लेकिन इन 2-3 महीनों में ही ऐसा क्या हो गया कि जो बीजेपी 400 पार लाने वाली थी वह 240 पर ही सिमट के रह जाती। और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे ध्रुव राठी। इस इलेक्शन में लोगों ने मोदी का राहुल गांधी से कंपैरिजन करने की बजाय ध्रुव राठी से कंपेयर किया क्योंकि ध्रुव राठी अपने तन मन और धन से लग गए थे मोदी सरकार को गिराने में। देखो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे लेकिन इस इलेक्शन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक तरफा सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी वहाँ पे बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। और इन इन्फ्लुएंसर्स में से भी सबसे बड़ा जो नाम निकल के आता है वो है ध्रुव राठी का, क्योंकि जनता के सवालों को सरकार के सामने रखने का काम होता है मीडिया का, लेकिन मीडिया उसमें फेल कर गई। बट ध्रुव राठी ने वह सारे ही मुद्दे उठाए जो कि अपोजिशन पार्टी और मीडिया को करंट गवर्नमेंट के सामने उठाने चाहिए थे। एक्चुअली में ध्रुव राठी ने अपना चैनल ही मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए खोला था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगंडा फैलाते हैं। ध्रुव राठी ने खुद ही कहा था कि वह पहले मोदी को सपोर्ट करा करते थे क्योंकि मीडिया ने भी उनके दिमाग में वही चीजें भर दी थी कि बीजेपी नहीं तो देश नहीं। लेकिन जैसे ही उन्हें रियलिटी पता चली उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। खैर अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर वही जानते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा 2024 पे। ध्रुव राठी अपनी नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो बना रहे थे। उस दौरान कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि पूरे देश के लिए ही शॉकिंग थी, जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में खुलेआम चीटिंग होना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना, और यह सारी ही चीजें ध्रुव राठी से बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्त कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड हुआ, ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी, इसीलिए उन्होंने यह वीडियो बनाई द डिक्टेटर। मतलब टाइटल में ही गुस्सा दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो में इन्होंने कह दिया था कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, ना कि अभी तानाशाही में है। और इस वीडियो पे मैसिव रिस्पांस आया। जहाँ पे नॉर्मली इनके वीडियोस पे 3 से 4 मिलियन व्यूज आते थे, इस वीडियो पे सीधा 25 मिलियन व्यूज आ गए। इसके साथ साथ पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो गई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जहाँ पे ध्रुव राठी ने कहा कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ता जा रहा है, मीडिया से अपोजिशन की आवाज पूरी तरीके से खत्म हो गई है, साथ ही एमएलए को खरीदा बेचा जा रहा है। और ध्रुव राठी यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद वीडियो बनाई फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, जहाँ पर भी इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई लद्दाख इन डेंजर, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस ने एक टाइम पे अन्ना हजारे तक की डिमांड कंप्लीट कर दी थी, वहीं पर ही सोनम वांगचू जो कि अमरण अनशन पे बैठे हैं उनको मोदी जी पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद ध्रुव राठी ने बैक टू बैक मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जिसे कि भारत का सबसे बड़ा स्कैम बताया। उसके बाद वीडियो आती है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर, और इस वीडियो में तो इन्होंने डिक्टेटरशिप को ही कंफर्म कर दिया था। खैर अगर हम अभी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, बट इस वीडियो में हम किसी को जज नहीं कर रहे कि ध्रुव राठी ने सही चीजें बताई कि गलत चीजें बताई। इसके बाद ध्रुव राठी बताते हैं कि कैसे भारत के लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया।
खासकर हिंदुओं को, और इस वीडियो में व्हाट्सएप माफिया को एक्सपोज किया गया। मोदी जी का हिटलर से कंपैरिजन हुआ। साथ ही ध्रुव राठी ने मोदी जी के उन चार डिपार्टमेंट के बारे में बताया जो कि लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड, नंबर टू विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी, यू आर इन डेंजर, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। साथ ही अब इस व्हाट्सएप माफिया को किस तरीके से टैकल किया जाएगा उसके भी पांच स्टेप बताए जाते हैं। आइए साथ में मिलकर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ईट से ईट बजाते हैं। दोस्तों स्टेप वन, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। टू, हर रोज के मैं एक या दो मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100-100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। आप लोग भी कैमरा उठाओ और एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो उनके झूठ पकड़ते हुए। खैर मानना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में ध्रुव राठी ने अपनी जान झोंक दी है। इतने फैक्ट तो राहुल गांधी 10 साल में भी इकट्ठे नहीं कर पाए जितने ध्रुव राठी ने इन 2 से 3 महीने में कर दिए। इसके बाद ध्रुव राठी 4 अलग अलग वीडियोस अपलोड करते हैं जहाँ पे इन चारों ही डिपार्टमेंट को एक्सपोज किया गया है। ध्रुव राठी की वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देख के पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। ध्रुव की वीडियो को शेयर किया जाता है, साथ ही कई सारे लोग इंस्पायर होके ऐसी ही वीडियोस बनाने लगते हैं जिसको कि ध्रुव खुद शेयर भी करते हैं। कई सारे लोगों ने तो इन वीडियोस को प्रोजेक्टर पे चलवाया था जहाँ पे 20-20, 30-30 लोगों ने साथ में बैठ के वीडियोस देखी है। और यही कारण है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ध्रुव की आवाज कितने लोगों तक पहुंची है। हालांकि हर वीडियो पे 20-25 मिलियन व्यूज तो दिख रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ध्रुव राठी की बातों को शेयर किया है, छोटी छोटी शॉर्ट्स को शेयर किया है, और प्रोजेक्टर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने सारे लोगों ने साथ में बैठ के वीडियोस देखी है। और यह पहली बार था जब मैंने सोशल मीडिया पे बीजेपी को क्रिटिसाइज होते हुए देखा है। 2019 के बाद से ही बीजेपी सोशल मीडिया पे एकदम टॉप पे थी और उल्टा कांग्रेस क्रिटिसाइज होती थी, लेकिन इन इलेक्शन के कुछ महीनों में टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिला है दोनों ही पार्टीज के सपोर्टर्स का। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया पूरी दुनिया शॉक में थी। शेयर मार्केट तक 2 से 3 हजार पॉइंट गिर गया। जितने भी एग्जिट पोल थे सभी फेल कर जाते हैं और बीजेपी 240 पर ही सिमट के रह जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। ध्रुव राठी को भी भर भर के क्रिटिसिज्म आया। पूरी राइट लॉबी भी एक्टिवेट हो गई थी लेकिन थोड़ी देर कर दी, क्योंकि इस समय तक ध्रुव राठी का इम्पैक्ट देखने को मिल गया था। कई सारे ऐसे राइट के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ध्रुव राठी के फैक्ट्स को रिचेक किया और यह बताया कि ध्रुव राठी मिसलीडिंग फैक्ट्स बताते हैं। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसी के लिए बैकएंड में काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन के बारे में एलविश यादव ने विस्तार से प्रूफ देके बताया है। ध्रुव राठी ने कई सारे राइट के क्रिएटर्स को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वह उसके अगेंस्ट में पोस्ट लिख रहे थे। उनका सिर्फ एक ही सवाल था, कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अलावा भी कई सारा क्रिटिसिज्म ध्रुव को झेलना पड़ा क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा जॉनर है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। इस वीडियो का मेन मकसद था आप लोगों को यह बताना कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस बार के इलेक्शन पे इम्पैक्ट डाला है। अब ध्रुव राठी सही है या गलत है, मिसलीडिंग फैक्ट बता के लोगों को मैनिपुलेट करता है या फिर सही में देश की परवाह करता है, इनमें से किसी भी चीज को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है। बहुत ही न्यूट्रल होकर इस वीडियो को मैंने बनाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया है, हवाला ट्रांजेक्शन, स्विस बैंक, हर चीज को डिटेल में कवर किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।